Hello friends, this is Aros and welcome to Learning Without Burden. In today's video, we are going to do Towards Freedom. India has always been famous for spices, textiles, jewelry, and pearls. The Arabs were among the first to come to India for trade. The Portuguese, the Dutch, the French, and the British followed. इंडिया हमेशा से अपने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरीज और पर्ल्स के लिए जो है फेमस है। जो अरब थे, अरब के लोग जो थे वो सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने जो है इंडिया के साथ ट्रेड किया था। उसके बाद द पोर्टुगीज, द डच, द फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे वो भी आए ट्रेड करने के लिए। द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम। उनमें से ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे पावरफुल थे। दे ट्रेडेड थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वहाँ पे ट्रेड किया था। द कंपनी बॉट गुड्स चीपली फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम अब्रॉड एट हाई प्राइसेस। इंडिया में जो है ये सारी चीज़ें जो है सारी जो चीज़ें थी ये वो का भी जो है हाई मात्रा में मिलती थी, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी चीप होते थे। तो जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो कंपनी होती थी वो उसे चीपली खरीद लेती थी, देन जो है यूरोप और बाकी जगहों की कंट्रीज में जो है जहाँ पे उतना नहीं मिलता था वहाँ पे काफ़ी हाई प्राइस के लिए इसे बेच देती थी। दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। Little by little, the English East India Company established control over the whole of India. इससे जो है जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसे बहुत प्रॉफिट मिलता था। धीरे धीरे करके जो है कंपनी ने जो है इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। Taking advantage of the lack of unity among the Indians, the British conquered large parts of India and established their rules. देखिए अब क्या हुआ, इंडिया जो उस समय था वहाँ पे जो है काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स और इन सब में जो है बता हुआ था। वहाँ पे जो है यूनिटी नहीं थी, यहाँ पे जो है यूनिटी नहीं थी। कई सारे जो है जो राजा थे और ये सब थे वो रूल तो करते थे अपने छोटे से लाइक एक प्रिंसली स्टेट पर जो है इनमें से जो इन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो है यूनिटी नहीं थी। इनके बीच में जो है कभी भी यूनिटी नहीं थी और जो है इसी का फायदा उठा के जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, यहाँ पे पूरा जो है कंट्रोल इसको जो है सारे के सारे जो है इंडिया पे जो है कंट्रोल जो है करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज थे और जो है अच्छे से रहते थे, पर जो है इंडिया में यूनिटी नहीं थी। और इसी का यूज करके जो है धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसने पूरे के पूरे इंडिया पे जो है अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। Discontent among Indians. Once the British were firmly established in India, they exploited the farmers, traders, craftsmen, and the rulers of local kingdom. The farmers were made to pay very high taxes. Even during floods and droughts, the farmers had to pay their share of taxes. जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फाइनल लिए जो है पूरा का पूरा जो है कंट्रोल इंडिया के ऊपर करने लगे, तब जो है उन्होंने सारे जो फार्मर्स थे ना सारे जो फार्मर्स थे उन्हें जो है क्या क्या एक्सप्लॉइट करने लगे, वो उससे एक्सप्लॉइट करने लगे सबको। फार्मर्स नहीं, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, इवन कई सारे जो है लोकल किंगडम्स के राजाओं को भी उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट करने लगे, सताने लगे। जो फार्मर्स होते थे ना, जो किसान होते थे, आपको तो पता है कि किसानों को जो है एक फील्ड पे जो है ऑलरेडी कितना वर्क करना पड़ता है। अब उन्हें जो है काफ़ी हाई जो है टैक्स, अब उन्हें काफ़ी लाइक हाई टैक्सेस भी जो है देने पड़ते थे। जो टैक्स था उनका वो भी काफ़ी इंक्रीज हो कर दिया था उन्होंने। और जो है
फ्लड्स या जब फ्लड आता था, जब जो ड्रॉट आता था, फ्लड आते थे, बाढ़ आती थी या सूखापन आ जाता था, तब भी जो है उन्हें अपना जो है वो टैक्स पे ही करना पड़ता था। उनका अभी भी इंक्रीज ही था टैक्स से, उन्हें अपना शेयर ऑफ टैक्स पे करना ही पड़ता था। दे वे फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, अ प्लांट विच इज अ सोर्स ऑफ इंडिगो डाई एंड कॉटन। जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है यूरोप में होते थे। यहाँ पे जो है आपका यूरोप है और यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स है। अब जो है इंडिया और जो ब्रिटिशर्स होते थे वो जो है यहाँ पे ये सब जो अलग अलग क्लाइमेट जोन में रहते थे। तो ब्रिटिशर्स में जो है कई सारे पेड़ थे जो कि कई सारे पौधे थे जो कि ब्रिटिशर्स ग्रो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए टेम्परेचर ही नहीं था अच्छा सही वाला। तो इसीलिए जो उन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर दिया, हाँ, तो इंडिया के जो है एरेबल लैंड का यूज करके जो है ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वहाँ पे जो है इंडिगो और कॉटन जो है ग्रो करने लगे वहाँ पे वो सब जो है। अब जो है दीज वे बॉट एट वेरी लो रेट्स एंड सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्री। जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो ब्रिटिश एम्पायर था वो जो है काफी लो रेट में इन सभी चीजों को भी जो है काफी लो रेट में बाय करते थे, और जो है इसे काफी हाई रेट में जो है दूसरी कंट्रीज में सोल्ड करते थे। तो जो है धीरे धीरे करके जो फार्मर्स होते थे, ये जो हमारे किसान होते हैं वो गरीब होते गए, पुअर बनते गए। मेनी डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। ब्रिटिशर्स जो होते थे, अब जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे, फार्मर्स को जो है एकदम स्लेव की तरह, दास की तरह ट्रीट करते थे, और जो है उन्हें काफी ज्यादा एक्सप्लॉयट तो करते ही थे, पर जो उन्हें मुश्किल से कुछ थोड़ा सा भी पैसा देते थे। तो जो है इसकी वजह से क्या हुआ, किसान जो इतने पुअर बनते गए तो कई सारे जो है उनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो खाना खरीद पाए, और वो जो है स्टार्वेशन से मर गए। ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने कई सारी कंट्रीज को स्टार्वेशन से मारा था, और इंडिया भी जो है इंडिया में भी उन्हें को जो है स्टार्व किया था लोगों को। चीपर मिल मेड क्लोथ वाज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। एज ए रिजल्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सफर्ड। लैक्स ऑफ वीवर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। दे सफर्ड द सेम फेट एज द फार्मर्स। जो ज़्यादा सस्ता मिल मेड क्लॉथ होता था, हाँ, वो इंग्लैंड वाले जो है इम्पोर्ट कर लेते थे इंडिया में। अब जो है सारा कॉटन वो हाई प्राइस पे बेच देते थे और ज़्यादा चीप मिल मेड क्लॉथ जो है इंडिया में इम्पोर्ट करते थे। इसके रिजल्ट से जो क्या हुआ, जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी ना इंडिया की, वो सफर करने लगी। लाख्स ऑफ वीवर्स जो है अनएम्प्लॉयड बन गए, और उन्होंने भी फार्मर्स जैसा ही फेट जो है सफर किया। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन एंड मिल्स एंड फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को जो है अपनी मिल्स एंड फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए अलाउ नहीं किया। इंडियन ट्रेडर्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन आइटम्स ऑफ देयर चॉइस। जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो भी अपने चॉइस के आइटम्स को ट्रेड करने के लिए जो है अलाउड नहीं थे। इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वर ऑल्सो अनहैप्पी विथ द ब्रिटिश। अ लॉ वॉज पास बाय द ब्रिटिश विच स्टेटेड दैट इफ अ रूलर डिड नॉट हैव अ मेल चाइल्ड देन अपॉन द डेथ ऑफ द रूलर हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। बाय यूजिंग अनजस्ट एंड अनफेयर मीन्स द ब्रिटिश सॉट टू एक्सपेंड द होल्ड ओवर इंडिया। द डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर ऑफ मोस्ट इंडियंस लेड देम टू रिवोल्ट। जो इंडियन रूलर्स और प्रिंस जो थे वो भी अनहैप्पी थे ब्रिटिश से। एक लॉ पास हुआ था कि जो है अगर किसी रूलर के जो है किसी रूलर के पास एक मेल चाइल्ड नहीं होगा, देन उस रूलर के डेथ पे जो है उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश को मिल जाएगा। और जो है वो ऐसी अनजस्ट और अनफेयर मीन्स का जो है यूज करके जो है ब्रिटिश ने अपना इंडिया के ऊपर होल्ड को एक्सपेंड किया।
और जो है इसके वजह से कई सारे इंडियंस जो थे वो गुस्सा आ गए और डिससेटिस्फाइड थे रह गए। इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो है रिवोल्ट किया। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड बाय।